हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट चैप्टर पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो अगर आप लोग पहली वीडियो ना देखे हों तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक, नहीं तो यहाँ से हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आए। ठीक है, वैसे तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरा पूरा क्लियर हो। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों या नए हों चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु दो दुकानदार ए और बी द्वारा बेची जाती है। दुकानदार ए 40% और 10% के दो क्रमागत बट्टे पर वस्तु को बेचता है। किस हिसाब से? एक 40% का डिस्काउंट दे रहा है और दूसरा 10% का डिस्काउंट दे रहा है, जबकि दूसरा दुकानदार एक 30% का डिस्काउंट दे रहा है और एक 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इस हिसाब से बेचा जाता है। दोनों के विक्रय मूल्य में 440 रुपये का अंतर है। देखो दोनों के जो सेलिंग प्राइस है उसमें 440 रुपये का क्या है, डिफरेंस है। तो हमें बताना है वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब वस्तु का एमपी क्या है, अंकित मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम दुकानदार ए का जो ओवरऑल छूट है और दुकानदार बी का जो समतुल्य बट्टा है, दोनों के हम लोग सबसे पहले समतुल्य बट्टे को निकाल लेते हैं कि इनका समतुल्य बट्टा कितना कितना हो रहा है। चलिए ए का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। ए ने दिया है 40% और 10% की छूट, तो यक्ष समतुल्य बट्टे के लिए देखो हमने क्या बताया था, समतुल्य बट्टा जहाँ भी हमें निकालना हो, ठीक है ना, समतुल्य बट्टा जहाँ हमें डिस्काउंट निकालना होता है उसके लिए क्या बताया था, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100, यही हमने बता रखा है। तो इसी पे हम लोग लगा लेते हैं, इसी पे हम लोग काम करते हैं। चलो ए का डिस्काउंट आप बताओ, यक्स के स्थान पे है 40 प्लस वाई के स्थान पे है 10 माइनस 40 गुणे 10 बटा 100, तो ये आपका क्या निकल के आया आप बताएं, 40 10 50 और उसमें से 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 46%। एक कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 46% की। अब बात आती है बी की, बी कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 30 धन 20 माइनस 30 गुणे 20 बटा 100, ये 00 सॉरी काट दिया, 30 20 50 हो गया। ठीक, अब 50 में से 3 2 6 माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 44% का। अब आप बताओ एक ने दिया 46% का डिस्काउंट और दूसरे ने दिया 44% का डिस्काउंट, और दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, कितने का, 440 रुपये। अच्छा आप हमें ये बताएं कि अगर एक 44% का डिस्काउंट दे सॉरी अगर ए 46% का डिस्काउंट दे के बेच रहा है और बी कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, बी जो छूट दे रहा है वो 44% का दे रहा है। चलिए अगर हम देखें, ए ने जैसे सपोज दैट 100% वस्तु का रेट था, 100% वस्तु का मूल्य था, तो अगर 46% का ए ने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो ए ने बेचा कितने में, ए का एसपी कितना हुआ, देखो यहाँ लिखते हैं, ए का एसपी कितना निकल के आया, ए का एसपी कितना, 100 में से आपको 46 को माइनस करना पड़ेगा तो क्या आएगा, 100 में से 46 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 54%। ए ने वस्तु का 54% मूल्य लेके बेचा है। अब बात आती है बी की, बी का एसपी देख लेते हैं, बी का एसपी, बी ने छूट दिया 44% की, तो मतलब 56 रुपये में सामान को बेच दिया है, 56% पे 56% वस्तु का मूल्य लिया है। अब आप हमें ये बताओ कि यहाँ परसेंट में अंतर कितने का, 2% का विक्रय मूल्य के परसेंट में अंतर कितने का, 2% का, और यही 2% जो है रुपए में कितने के बराबर है, रुपए में कितने के बराबर, 440 के।
तो आप बताओ अगर 2% बराबर है 440 के, तो 100% कितने के बराबर होगा? 1% बराबर होगा 220 के, 100% बराबर कितना? 22,000 के। मतलब यही क्या है वस्तु का एमपी है, वस्तु का एमपी यही है 100%, तो यही क्या हो जाएगा 22,000। तो 22,000 रुपये क्या हो जाएगा वस्तु का मूल्य। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हो, इन दोनों का अंतर 2% है और एक 2% बराबर 440 के, तो 1% बराबर 220 के, इसलिए 100% बराबर कितने के? 22,000 के। तो 22,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 22,000 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला टाइप आ गया, टाइप थ्री। देखो इस टाइप में क्या होगा, कोई दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा के अंकित मूल्य लेके जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। देखो इसका एक मैं बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर ट्रिक पे अपने आते हैं, ठीक। बेसिक तरीका देख लो, कहा गया है क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित मूल्य लिखे जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद भी क्या हो, 20% का लाभ हो। देखो हमें क्रय मूल्य को बढ़ा के लिखना है और कितने परसेंट बढ़ा के लिखना है यही हमें बताना है। तो अगर हम लोग सीपी को मान लेते हैं अगर 100 रुपये, ठीक है, अगर हम लोग सीपी को 100 रुपये मान ले रहे हैं अभी के लिए, अभी अगर हम लोग सीपी 100 रुपये मान लिए, तो अगर उसे 20% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ चाहिए, 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। और वो भी कब, वो भी कब 20% का लाभ चाहिए? जब वो 20% की छूट दे रहा उसके बाद। तो देखो अगर 20% की छूट देने के बाद भी उसको लाभ चाहिए होता है, तो वो अगर 100 रुपये की सामान खरीदा है तो फाइनली वो बेचना कितने में चाहेगा? 120 रुपये में, 120 रुपये में बेचना चाहेगा, ठीक है ना? 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेचना चाहेगा। तो वही हमने कहा कि आप लोग सीपी ले लो यहाँ पे 100 रुपये, तो एसपी वो बेचना कितने में चाहेगा? अगर 20% का लाभ चाह रहा है तो 120 में बेचेगा, 100 का सामान 120 में बेचेगा। चलिए लेकिन वो एक कंडीशन और रखना चाह रहा है कि हम तो भैया 20% की छूट भी देंगे, 20% की छूट भी देंगे। तो अगर वो 20% छूट देना चाह रहा है तो ठीक है, हम लोग निकालते हैं उसका तब अंकित मूल्य क्या उसको रखना पड़ेगा। अगर वो 20% छूट देने के बाद भी 120 रुपये चाह रहा है तो उसको अंकित मूल्य कितना रुपये रखना पड़ेगा, इस बात को देख लेते हैं। तो अगर आपको एसपी पता है 120, तो आप एमपी निकाल सकते हो। एसपी बराबर मतलब 120 बराबर एमपी इंटू 20% की छूट देना चाह रहा है मतलब 80/100। 20 से काटा इसको 4 बार में, 20 से काटा इसको 5 बार में, और 4 से 12 को काट लिए 3 बार में, 120 कट गया 30 बार में, और 5 और 30 का गुणा आपका एमपी कितना आ गया? एमपी बराबर 150 आ गया। तो मतलब अगर उस वो अपने अंकित मूल्य को 150 रुपये, 100 रुपये के सामान का मूल्य अगर वो 150 रुपये रखेगा, तभी उसे 20% की छूट देने के बाद तभी उसे 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होगा। तो इसका मतलब ये जो सीपी 100 रुपये का है उसको उसको कितना रखना पड़ेगा? 150। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि, परसेंट वृद्धि कितने करने पड़े भाई? 100 का सामान 150 में अगर उसका मूल्य रखे हो तो 50% का वृद्धि थी, वृद्धि बराबर कितने की? 50% की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ये था हमारा बेसिक तरीका, बहुत ही आसान है। आप लोगों को हो सकता है लगा हो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ रटना वटना नहीं है, ट्रिक इसमें रटना नहीं है। फटाक हम लोग 100 से मानते चले गए, पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा SICI, पूरा डिस्काउंट 100 मान के ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है ना? 100 मान के ख़त्म कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक पे, देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। देखो प्रतिशत वृद्धि यही बताना था ना, एमपी सॉरी वो अपने क्रय मूल्य को कितना परसेंट बढ़ा के अंकित मूल्य लिखे, तो परसेंट वृद्धि बराबर के धन ए इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं ना, ए को हम लोग डी बना ले रहे हैं,
डिस्काउंट की बात कर रहा है, मतलब छूट की बात कर रहा है, और 100 माइनस डी, ये हमारा सीधे सीधे परसेंट वृद्धि का सूत्र बन जाएगा, के धन डी और इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डी। डी का मतलब डिस्काउंट छूट, और के का मतलब क्या है, ये जो लाभ या पी कर दे रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, तो सबसे बेटर है। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ भी बना लें, बस हमें तो याद रहता है ट्रिक, इसलिए हम के ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार हम लोग काम करते हैं। पी धन डी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डी, पी क्या है, प्रॉफिट है, डी क्या है, डिस्काउंट है, बस दो ही आंकड़े ही हैं। तो देखो परसेंट वृद्धि हम लोग निकाल लेते हैं, परसेंट वृद्धि सीधा सीधा कितने की आ रही है, पी का मान है प्रॉफिट 20 और डी का मान है 20, तो मतलब 20 धन 20 और गुणे 100 और बटा 100 माइनस 20, छूट 20% की ना, 100 में से 20 गया क्या 80, चलिए ये हो गया 20 40 और गुणे 100 और बटा 80, 20 से काट दो इसको 4 बार में, 20 से काट दो इसको 5 बार में, 4 से 40 को काटो 10 बार में, और 10 और 5 का गुणा कितना 50% का क्या सीधा सीधा 50% की छूट, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ऐसे भी क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही ना, क्लियर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ट्रिक को याद करके रखना, इसको याद रखना। चलिए यहाँ देखें, कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य के कितने % बराबर अंकित मूल्य लिखे जिससे ग्राहक को 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। देखो एमपी को कितना बढ़ा के लिखे हमें यही बताना है। चलिए परसेंट वृद्धि से जैसे हम लोग निकालते हैं, परसेंट वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर पी धन डी। पी का मान क्या है, देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, डी का मान कितना है 10, 20 धन 10 इंटू 100 और अपॉन 100 माइनस डी, 100 माइनस डी 100 माइनस 10 मतलब 90, ये देखो एक जीरो जीरो काट दिया, 20 10 30 गुणे 10 बटा 9, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 10 बार में, 10 धाम में 100, 100 बटा 3 मतलब क्या 33, सही 1/3% की क्या उसे वृद्धि करना पड़ेगा अपने अंकित मूल्य को, तब जाके उसे ये कंडीशन प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया है, क्या बोला गया है, कहा है एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य को 25% बढ़ा के अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 12% की छूट देता है, तो बताए दुकानदार को कुल कितने % का लाभ हुआ। देखो आंकड़े वही है रहेंगे, उसमें तीन आंकड़े चल रहे थे, एक तो छूट % का, एक तो लाभ % का, और दूसरा अंकित मूल्य को कितने % बढ़ा के लिखा जाए, तीन आंकड़े चल रहे थे। तो यहाँ पे हमें अंकित मूल्य को 25% बढ़ा के लिखा गया है, ये बात हमें पहले ही दे रखा है, तो मतलब परसेंट वृद्धि कितने की 25 की, परसेंट वृद्धि कितने की 25 बराबर पी धन डी। पी का मान कितना है हमें निकालना है, और प्लस डी का मान कितना है, छूट 12% की है, और गुणे होता है 100 और बटा 100 माइनस डी, 100 मतलब 12, 100 माइनस 12 मतलब क्या 88, ठीक ना, ये बात समझ में आई। 4 से काट दो इसको 22 चौक 88, और 4 से काट दो इसको 25 चौके 100, और इस 25 से इस 25 को काट लो तो ये 22 बराबर हो जाएगा आपका, तिरछा गुणा कर लेंगे, पी धन 12, तो पी बराबर हमारा निकल के आएगा 22 माइनस 12 मतलब 10% की क्या लाभ, हमें प्रॉफिट % कितना हुआ 10% का, देखो लाभ हो रहा है, ठीक ये बात क्लियर, 10% का उसे लाभ हो रहा है दुकानदार को। चले अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें क्वेश्चन नंबर 15, अपना क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ा के अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 20% व 10% की
दो क्रमागत बट्टे देता तो बताइए व्यापारी को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अब बताओ 40% बढ़ा के अंकित मूल्य को लिख रहा है, दो बट्टा दे रहा है, एक 20% का और एक 10% का, उसके बाद वस्तु को बेच रहा है, तो हमें बताना है उसे लाभ या हानि क्या होगा। अगर लाभ होगा तो कितने परसेंट का, और अगर हानि होगी तो कितने परसेंट की। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है। आप क्या कर सकते हो ना, एक तो आप अपने पहले तरीके से लगा सकते हो, इनका एक समतुल्य बट्टा आप बना लो, 20 और 10 का समतुल्य बट्टा अगर आप बनाओगे तो कितने परसेंट का आपका डिस्काउंट आएगा। 20 × 10 30, और -20 × 10/100, तो मतलब 30 − 2 28। अगर आप 20% और 10% का समतुल्य बट्टा निकालोगे तो 28% आएगा, मतलब उसे तो ओवरऑल छूट कितनी दी जा रही है 28% की, तो हमें बताना उसे लाभ होगा या हानि। तो हम लोग उसी अभी जो सूत्र लगा रहे थे उसी पे लगा लेते हैं। बढ़ाया कितना है 40%, तो परसेंट वृद्धि है 40 बराबर पी धन डी, डी दिया है 28 और पी का मान आपको बताना है, और इंटू होता है 100 और बटा होता है 100 − d, मतलब 100 − 28 कितना 72, 100 − 28 मतलब कितना 72, ठीक है ना। अगर पी का मान माइनस में आया तो हानि होगी, अगर पी का मान प्लस आया तो लाभ होगा, बात समझिए। अब ये आप इसको 1 0 1 0 दो से इसको 2 बार में, और 2 से इसको 5 बार में, और 72 का 2 में गुणा कर दो कितना 144 बराबर 28 का और 5 में गुणा कर लो, 8 × 5 = 40, 0 = 4 और 5 × 2 = 10 = 4, 14 और प्लस 5 पी, ठीक 5 पी। अब 5 पी बराबर क्या हो जाएगा, 5 पी बराबर आ गया 144 − 40, 140 कितना बचा 4, तो पी बराबर आपका क्या आ जाएगा 0.8%, 0.8% हमारा आया, 0.8% का देखो 0.8 प्लस में आया, इसका मतलब 0.8% की क्या हो रही है लाभ हो रही है, 0.8% का लाभ हो रहा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर लाया, व्यापारी उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए अंकित करे जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ। देखो हमें बताना क्या है, 1200 रुपये में खरीद के लाया है, उसके अंकित मूल्य को कितने रुपए अंकित करे जिससे 20% की छूट देने के बाद भी उसे क्या हो 20% का लाभ हो। देखो बहुत सारे, एक सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका अगर हम लोग बात करें तो अभी जिस ट्रिक से लगाते आ रहे हैं उसी से लग जाएगा, उससे हमारा ये पता चल सकता है कि कितने परसेंट बढ़ा के अंकित मूल्य लिखे, और जितने परसेंट बढ़ा के अंकित मूल्य लिख रहा होगा सीधे उतना परसेंट की 120 में वृद्धि कर देंगे, सॉरी 1200 में वृद्धि कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, क्योंकि पी और डी का मान आपका दिया हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो बेसिक टाइप का है, 120 रुपये का सामान है, 20% का लाभ चाहिए, तो सीधा एक तो 20 का आप 20% पहले निकाल लो, ठीक है ना। देखो हम लोग एक बार में इसको बना ले रहे हैं, 120 का सामान है, उसको कितना परसेंट कितने हमें क्या बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए अंकित करें जिससे 20% के छूट देने के बाद 20 इतने का लाभ हो। तो एमपी को हम लोग मान ले रहे हैं कि एमपी, ठीक है ना, इतने रुपए अंकित कर दे एमपी, इस पे वो क्या करेगा 20% की छूट देगा, मतलब इसका 80/100। अगर अंकित मूल्य इतना है तो उसे 1200 में बेचने पर कितना 20% का लाभ हो, मतलब 120/100, बात समझिए, बस बन गया, हो गया काम, इस क्वेश्चन का काम हो गया। हमने अंकित मूल्य मान लिया एमपी है, या अगर आपको अंकित मूल्य मानने में कोई दिक्कत है, एमपी में कम मजा आ रहा हो तो आप अंकित मूल्य ₹100 मान लो। अगर अंकित मूल्य x है तो अंकित मूल्य का पहली बात तो 20% छूट देगा, तो x का 20% छूट मतलब 80/100,
बराबर। और वो ये भी चाह रहा है कि 1200 पे उसे 20% का लाभ हो, ऐसा अंकित मूल्य रखे कि 1200 का 20% लाभ हो, तो 1200 गुणे 120 बटा 100 में बेचेगा। चलिए ये देखो 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काट दो 120 को, 8 × 1 = 8, 4 × 12 और 8 × 5 = 40, तो 15 और 120 का गुणा कर लो, आपका एमपी आ गए 0, 12 × 5 = 60, 6 12 × 12 = 6, 1800 रुपये में। अगर वो अपना एमपी 1800 रुपये लिखिएगा ना, तो क्या होगा उसे ये सारी चीज़ें कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो इसका मतलब एमपी उसे 1800 रुपये लिखना पड़ेगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, यहां देखें इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक वस्तु खरीद कर लाया और उसका मूल्य 1200 रुपये अंकित किया। यदि ग्राहक को 10% की छूट देने के बावजूद भी 100 सॉरी बावजूद भी 20% का लाभ हो, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अभी देखो हम लोगों ने अंकित मूल्य बताया था, एमपी बताया था, अब की बार हमें बताना है सीपी, क्रय मूल्य बताना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। चलो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर 1200 रुपये में अंकित किया गया है, वस्तु का मूल्य अंकित क्या है 1200 रुपये, तो सबसे पहले तो वो 1200 रुपये पे 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90/100, तो इतने में बेच रहा है, और जब इतने में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यक्स है तो इस पे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120/100, बस हो गया, ठीक है ना। तो अब ये अंकित मूल्य सॉरी क्रय मूल्य यक्स हमने माना था, यहाँ पे हमने सीपी को क्या माना है, यक्स लिया है, तो 100 से 100 काट दिया, 30 से काट दो इसको 3 बार में, और 30 से काट दो यहाँ पे इसको 4 बार में, और 4 से इस 1200 को काट दो 300 बार में, तो 3 × 3 = सीपी बराबर क्या आ गया 900। अंकित क्रय मूल्य कितना था 900 रुपये, ठीक है ना, ये बात क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 15% छूट पर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताइए। तो देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, एमपी और सीपी का रेशियो बताना है, तो देखो क्या होता है, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस पी और बटा 100 माइनस डी, ये होता है रेशियो एमपी और सीपी का। एमपी बटा सीपी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस पी, ये प्रॉफिट है, और ये 100 माइनस डी ये छूट है, छूट है लाभ परसेंट है, ये छूट परसेंट है। चलिए यही तो बताना है हमें, एमपी सॉरी एमपी और सीपी का हमें रेशियो बताना है। तो देखो एमपी बटा सीपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी 100 प्लस पी, मतलब 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 × 25 100 × 25 और बटा 100 माइनस डी, 15% की छूट दिया रहा है, तो 100 माइनस 15 15। अब ये देखो क्या आया, एमपी और सीपी क्या आया, 125 हो गया, और ये 100 में से 15 माइनस कर दो 85 हो गया, आप 5 से काट लो ये 25 × 5 = 125 और 17 × 5 = 85, मतलब 25/17 25 अनुपात 17 का अनुपात है, किसमें बटा मतलब अनुपात होता है, ठीक है ना, बटा मतलब क्या होता है अनुपात होता है, इसी को हम लोग अनुपात भी कहते हैं, 25 × 17 का अनुपात हो गया ना। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब ये हमारा जो अगले टाइप का सवाल है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो ये क्योंकि यहाँ से एक ठीक है टाइप बदल रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसका हम लोग अगली क्लास में सबसे पहले एक बार बेसिक देखेंगे। बेसिक सबसे आसान होता है, अगर आप लोग एक बार बेसिक सीख जाओगे ना तो ट्रिक लगाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिक को हमें माइंड में रखना पड़ता है, 2 दिन 4 दिन बाद हम लोग ट्रिक को भूल जाते हैं,
और बेसिक रहता है, बेसिक पता है वो एवरग्रीन है, हमेशा सालों साल चलने वाला है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, बाकी ट्रिक तो हम यहाँ पे बताते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।